चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ और मणि भट्टाचार्य की अभिनीत भोजपुरी फिल्म सौगंध आज से पूरी और बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। रिलीज होते ही बिहार और झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। जी हां, फिल्म सौगंध को सभी थिएटरों में बम्पर ओपनिंग मिली है। सभी दर्शकों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही दर्शकों की भारी भीड़ टिकट काउंटर पर देखने को मिली। कहीं दर्शकों को टिकट न मिलने से चेहरे पर मायूसी साफ थी झलकती हुई नजर आई, तो कहीं को दूसरे शो का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सौगंध में पहली बार दिनेश लाल यादव निरहुआ और मणि भट्टाचार्य का जोरदार रोमांस भोजप्रिया पर्दे पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि फिल्म के निर्माता विकास कुमार हैं, जिन्होंने निरहुआ के साथ दो फिल्में पहले ही बना चुके हैं और दोनों की दोनों फिल्में भोजप्रिया बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया परचम लहराया था। अब देखना यह है कि सौगंध भोजप्रिया बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, लेकिन पहले दिन की जबरदस्त ओपनिंग से यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि फिल्म होली पर रिलीज होने के कारण फिल्म में जबरदस्त कमाई का आंकड़ा कर सकती है। हालांकि फिल्म में सौगंध में निरहुआ का जोरदार एक्शन अवतार तो भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ फिल्म में मणि भट्टाचार्य का जबरदस्त ग्लैमरस लुक दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। साथ ही साथ फिल्म में सीमा सिंह का आइटम तड़का भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही आनंदित करता है।